ग्राम पंचायत सेवती में जल जीवन मिशन के तहत स्कूल और आंगनवाड़ी में मोटर से पानी नहीं आने, पानी टंकी और उसकी पाइपलाइन के गुणवत्ताहीन कार्य की स्कूल शिक्षकों ने उच्च अधिकारियों से की है शिकायत। पूर्व में भी जनप्रतिनिधियों द्वारा इसी गुणवत्ताहीन कार्य की गई थी शिकायत। मामला ग्राम पंचायत सेवती का है, जहां जल जीवन मिशन के तहत शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के साथ आंगनवाड़ी भवन में करीब 1,50,000 की लागत से बोरवेल में इलेक्ट्रिक पंप डालकर पाइपलाइन द्वारा पानी टंकी के माध्यम से नल कनेक्शन देकर बच्चों के लिए पानी उपलब्ध कराना है, लेकिन इस कार्य का ठेका लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ठेकेदार को दे दिया गया और जिसके द्वारा लापरवाही पूर्वक और गुणवत्ताहीन कार्य किया गया, जिसमें बोरवेल में लगी मोटर से पानी नहीं आ रहा है, जबकि बिछाई गई पाइपलाइन को केवल 6 इंच नाली बनाकर बिछा दिया गया है, जो उखड़कर बाहर आ गई है, जिससे शासकीय माध्यमिक शाला सेवती के शिक्षक काफ़ी नाराज हैं और उन्होंने इस गुणवत्ताहीन कार्य की उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। परिचय सर, मेरा परिचय है प्रेम कुमार पटेल, माध्यमिक शाला शिक्षक अध्यापक संवर्ग के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला सेवती में कार्यरत हूँ जी। सरकार की जल जीवन मिशन के तहत जो पंप जो लगा है हैंडपम्प, वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। कनेक्शन तो कर दिया है लेकिन किसी जगह पानी मतलब अवरुद्ध है जी। पंप चालू हो रहा है लेकिन पानी नहीं दे रहा है। इसकी शिकायत की आपने बता रहे थे कि शिकायत भी अधिकारियों से की गई। हाँ, इसकी मतलब सूचना दे चुके हैं इसके पहले जी, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी के माध्यम से सूचना जो BRC कार्यालय के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, इसके आधार पर सूचना दे दी गई जी। अभी कोई अधिकारी आया है? नहीं सर, अभी कोई अधिकारी नहीं आया जी। ये काम भी हुआ है सर, अभी भी पाइप निकल गए हैं, तो क्या लगता है आपको जो पाइप गड़ाए गए थे? हाँ, पाइप जो गड़ाए गए थे वो मतलब ऊपरी हिस्से में ही है जी, और जब चाहे तब मतलब यहाँ पे बाहरी सामाजिक असामाजिक तत्वों का उपद्रव होने के कारण पाइप निकल चुके हैं जी। अभी निकल चुके हैं? हाँ, अभी निकल चुके हैं। थैंक यू।